Hey folks, what is up? This is Muhammad Alim and you're watching Economics Heaven. तो सर जी आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा आस्क्ड टॉपिक्स में से है और वो है हाउ टू स्टार्ट इन द स्टॉक मार्केट और हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो सर जी ये जो क्वेश्चन है ये जनरली नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो होते हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या ऐसे पर्सन होते हैं जो अदर देन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या फिर कुछ कॉमर्स के ही होते हैं बट उन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती, तो ये जनरली क्वेश्चंस उनकी तरफ से होता है। तो आइए आज इसे ही डिकोड करते हैं कि हम कैसे एज अ बिगिनर स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ ये क्वेश्चन सिंगल हैंडेडली नहीं पूछा जाता है बल्कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट में दो चार क्वेश्चंस और आते हैं जिसे हमें साथ में समझना है, तभी हम जाके एक प्रॉपर एक स्टार्ट ले सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए जैसे अगर मान लीजिए आप सिर्फ ये पूछते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो सिंपल सा इसका आंसर ये खत्म हो जाता है कि सर जी आपको तो सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दैट्स इट, आप अकाउंट खोलिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। बट क्या बस इतनी ही नॉलेज लेके बस आप स्टार्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको इसके अलावा थोड़ा बहुत बेसिक्स और पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो और इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखिए इसके साथ सबसे पहला एक और क्वेश्चन आता है कि कितने पैसों के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितना रिस्क होता है इसके अंदर। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि कितना रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये जनरल कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट। तो आइए एक ही करके समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर जी इसमें रिस्क होता है और होता भी है तो कितना होता है? तो इसका आंसर ये है कि देखिए आप कोई सी भी इन्वेस्टमेंट ले लो, चाहे आप अपनी फेवरेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लोगों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड, चाहे रियल एस्टेट, रिस्क तो उसमें भी होता है सर जी। अगर आप गोल्ड ले तो जरूरी नहीं है उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या फिर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो जरूरी है उसका भाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका भाव गिर भी सकता है, बट हाँ ये जरूर है कि चांसेस कम है। तो वैसे ही सेम समझ लिया आप स्टॉक मार्केट के अंदर, बट यहाँ पर रिस्क इन कंपेरिजन टू दैट ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी ज्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको रिस्क कम कर सकते हैं कैसे, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके और प्रॉपर आप सब चीज को वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग करके आप पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जनरली जो होता है लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना तो वो FD या RD करवाते हैं। अब FD और RD में रिटर्न पता है आपको कितना मिलता है? जनरली मैक्सिमम 5-6%। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आप कम से कम ही, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते कर सकते हैं 18-20% के आसपास। यह आपका एक नॉर्मल या फिर एवरेज रिटर्न हम इसे कह सकते हैं जिसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप ये जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो गई FD RD इन सब से कहीं ना कहीं 3-4 गुना ज्यादा है रिवॉर्ड। तो कहीं ना कहीं हम ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट इसे बोल सकते हैं। अब देखिए अगर आप RD या FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे होगा क्या, आप अगर मान लो 10 साल की FD कराते हैं तो उससे आपका 5-6% आपको मिलेगा तो पर ईयर, बट उससे होगा ये कि जो इन्फ्लेशन रेट है आपका वो भी अगर मान लीजिए 5-6% बढ़ा तो आपकी जो 10 साल बाद जो आपने FD कराई थी उसकी वैल्यू आपकी उतनी ही रहेगी, यानी उसकी रियल वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपका इन्फ्लेशन रेट ही उसको बीट कर देगा। लेकिन अगर वहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18-20% और इन्फ्लेशन रेट आपका रहता है 5-6%, तो कहीं ना कहीं आपकी उसकी वैल्यू डबल से भी ज्यादा रहेगी उस टाइम पे। आज से अगर 10 साल बाद आप
पर्टिकुलर स्टॉक्स की वैल्यू देखेंगे तो। और हाँ, यहाँ पे लोग एक गलती जरूर करते हैं रिवॉर्ड के टाइम पे, कि लोग जो सोचते हैं कि हमें तुरंत एक्सपेक्टेशन है, तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट का, बट ऐसा नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड पे, सोचते हैं कि गोल्ड की वैल्यू कभी गिरेगी नहीं, और लोग जब एक बार गोल्ड ले लेते हैं तो उसे बेचते नहीं है लंबे टाइम तक, बल्कि क्या करते हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं, ये सोचकर कि ये और बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ये उनका माइंडसेट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वो लोग गोल्ड की वैल्यू मान लिया बढ़ तो रही है, मगर यहाँ पे कुछ आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, कुछ आपको ईयर में कुछ प्रॉफिट मिल रहा है क्या? सिर्फ उसकी वैल्यू ही बढ़ रही है ना, तो ये एक नुकसान होता है अदर इन्वेस्टमेंट्स का। वहीं अगर दूसरी तरफ आप स्टॉक मार्केट लेते हैं, तो इससे होता ये है कि आप जनरली क्या करते हैं, जब आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ईयरली बेसिस पे डिविडेंड मिलता है, जिसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और वो आपकी स्टॉक्स की वैल्यू जो बढ़ रही है वो अलग बात हुई। तो जब आपको एग्जिट लेना होता है तो आप उन स्टॉक्स को हायर वैल्यू पे बेच के भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम सर जी कितने पैसे से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, सच बताओ तो स्टॉक मार्केट के अंदर ना एक शेयर 5 रुपए 4 रुपए 10 रुपए इतने का भी आता है, लेकिन उसे हम बोलते हैं पेनी स्टॉक, जिसपे लोग मैक्सिमम टाइम गैम्बलिंग करते हैं। हाँ, सब लोग नहीं करते, बट मैक्सिमम लोग गैम्बल करते हैं और उन स्टॉक्स को खरीद कर बैठ जाते हैं 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए का। लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये डबल भी हो गया जस्ट, तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। देखिए, बेसिक अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो लोग जनरली 50 से 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग को, बट आप एक रियल अमाउंट पकड़ के चलिए कि 500-2000 रुपीज। आई होप इतना तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है, जो हायर स्टडी कर रहा है, वो इतना अफोर्ड कर सकता है जो उसका खर्चा होता है, उतना निकाल के और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखना, स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप अफोर्ड कर सको लूज करना, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, मैक्सिमम पर्सन लॉस खाते हैं। अब देखिए, अब जो ऑलरेडी जॉब सीकर्स या जॉब कर रहे हैं, अब उनको कितने से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, आपको एक हिसाब बना लेना चाहिए। जैसे आपने सोचा कि हम 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? अब आप 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, तो अब आपको एक साल कंटिन्यूअसली इस 1000 को ही मेंटेन रखना है पर मंथ। और जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 20% से रेज कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने स्टार्ट किया 1000 रुपीज पर मंथ से, तो आपने 12 महीने तक 1000 रुपए लगाए, टोटल आपने कितने इन्वेस्ट किए? 12000 रुपए। अब वहीं पे, अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा, आप पहले मंथ से इसमें इंक्रीज कर देंगे 20% का, यानी कि अगली बार आप इन्वेस्ट करेंगे कितना? 1200 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे कर करके आपको क्या करना है, अपनी इंक्रीमेंट करना है इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अंदर। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है जो बिगनर्स होते हैं उससे इंटरमीडिएट जाने के लिए, और फिर आप जब एडवांस वर्जन में पहुंच जाएंगे तो आप और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जी इसकी प्रोसेस क्या होती है? तो देखिए, प्रोसेस तो होती है जो मैंने शुरू में बताया था, आपको सिर्फ 3 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। तो इन तीनों से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं कोई भी ब्रोकर के अंदर। तो मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, आप एंजल वन में ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एकदम जीरो होता है, ठीक है? नाउ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर जी हम सीखे कहाँ से? अगर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है और बेसिक से हमें इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल तक जानना है, तो हम कहाँ से लर्न करें स्टॉक मार्केट के बारे में? देखिए, इसके 2-3 वेज हो सकते हैं। पहला, आप बुक्स पढ़िए स्टॉक मार्केट की, मैं भी बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए अच्छी, ठीक है? दूसरा, आप आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़ देखिए, और तीसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, यहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नो डाउट सीखने को मिलेगी, ठीक है? तो अब आते हैं हम बुक्स पे, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली और बेसिक बुक जो हम मैं बता सकता हूँ, जो बहुत ही फेमस है, आप सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, रिच डैड एंड पुअर डैड,
दूसरी हो सकती है आपकी वन अप इन द वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंक, तीसरी हो सकती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। तो ये बेसिक्स कुछ बुक्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज ग्रैस्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट में एंट्री कैसे लेना है, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट। Thank you so much.